नमस्कार, मैं हूं मनिंदर कौर। स्पिरिट ऑफ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालें आज की बड़ी खबरों पर। बुरहान वानी की बरसी पर घाटी बंद, सुरक्षा कड़ी, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप, अमरनाथ यात्रियों का जत्था भी रोका। पाकिस्तान की तरफ से नौशहरा सेक्टर में गोलाबारी, कलसिया गांव में एक नागरिक घायल, भारतीय सेना गोलाबारी का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले शिव भक्तों का आंकड़ा सोमवार 8 जुलाई को करेगा 1,00,000 को पार। महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार के द्वारा किए गए इंतजामों पर नाराजगी जताई, कहा कश्मीरियों को हो रही है परेशानी। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा राज्य में आतंकवादियों के पैर उखड़ चुके हैं, सुरक्षा बलों के सामने वह टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए IED का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। श्रीनगर शहरवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा, सोमवार 8 जुलाई से दौड़ेंगी 20 इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण स्तर को कम करने में मिलेगी मदद। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहली बार भिड़ेगा भारत न्यूजीलैंड, दोनों टीमों ने पहली बार 1975 में विश्व कप खेला था, लेकिन आज तक दोनों टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने नहीं हुई हैं।